अभी मैं अपने हेयर चेक करवा रही हूँ पायल से, बस इतना चमक रहा है बालों को, क्या कर रही है। और थ्रेडिंग मैंने कराई थी तो देखो अभी मैं इतने ज्यादा खराब थे, इतने ज्यादा। और मोहित भाई और अभी पहुँचे हैं हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 7:30 और आज जो है लास्ट है, मतलब श्राद्ध लास्ट निकालते हैं, तो आज मुझे लास्ट श्राद्ध है वो निकालना है हमारे पितरों के लिए। तो उसके लिए जो है मैं तैयारी शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे पूड़ी का जो आटा है वो गूंद चुका है, आलू उबाल चुकी हूँ और यहाँ पे बन रही है खीर। तो मैं कर रही हूँ पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से, अभी सारे वॉशरूम क्लीन करे हैं, डस्टिंग कर दी है, बेड सेट कर दिया, क्योंकि शांति किचन में है, पायल पूजा का पूजा कर रही है। तो मैंने सोचा आज घर में ना बहुत सारा खिलेड़ा मचा पड़ा है, क्योंकि ना 2-4 दिन से सही से ना डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी और कल फिर सैलून की ओपनिंग भी है, तो मैंने सोचा अच्छे से साफ सफाई करते हैं, तो साफ सफाई करके फिर मैं लूंगी। तो फाइनली मेरा भी शावर हो गया है, बस घर में झाड़ू पोछा रह गया, बाकी सारी जो डस्टिंग है सब कुछ हो गया, तो अब सिर्फ करूंगी पारी के साथ नाश्ता। आलू बॉयल होके छिल चुके हैं और यहाँ बन रहा है आलू का मसाला, खीर में टाइम लगेगा अभी। तो यहाँ पर ना पायल जोत बत्ती कर रही है, पायल शावर ले चुकी है और भूख हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर आ गया मेरा जबरदस्त सा लंच, साथ में खा रही हूँ मैं पूड़ी, आलू की सब्जी और जो खीर है ना पायल ने बनाई है। तो गाइस खाना मैंने भी अभी अभी खाया जस्ट सुबह से, क्योंकि पूजा वूजा करनी थी। ये खाना तब तक नहीं खा सकते जब तक आप गाय माता या फिर कौवे को नहीं खिलाते हो, तो जस्ट अभी गाय मिली, क्योंकि सुबह से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, तो कौवे का तो भूल ही जाओ, कौवे तो आने हो ही नहीं सकते पॉसिबल। तो गाओ शायला जाके गाओ गाय को खिला के। तो आप लोग हमें देख चुके हो, हम रेडी हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं हम सलून के लिए। तो आज हम जा रहे हैं, हमारे सलून में सर्विस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं। गोलू अपने बालों में कराने वाली है क्रेटिन या फिर बोटॉक, और मैं सिंपल वैक्सिंग वगैरह कराऊंगी, क्योंकि कल ओपनिंग है और अभी तक मेरी वैक्सिंग नहीं हो रखी है। तो निकलते हैं हम। पायल से नहीं, मैं नहीं करूंगी, तो करेंगे तो हमारे एक्सपर्ट, पर मैं आपको बता दूंगी आगे आपके बालों का क्या क्या हो सकता है। आपके बालों को वैसे तो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी एक्सपर्ट को दिखा देती हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरे जो बालों का टेक्सचर है ना वो रियल टेक्सचर ये है, मेरे बाल ऐसे है। आपको स्ट्रेट चाहिए? जी मेरे को स्ट्रेट चाहिए। स्ट्रेट में जाना था जो सबसे पहले परमानेंट स्ट्रेट के लिए हम करते हैं स्मूथनिंग, पर वो हम नहीं करते हैं, इसलिए हम करेंगे कैराटिन। ये होगा 50-60% रिलैक्स, आपको हेयर लाइक स्ट्रेट ही दिखेंगे और वो टेम्परेरी होंगे, कुछ वॉश के बाद ऑटोमेटिकली आपको नेचुरल वापस ये ऐसे हो जाएंगे, चीज आएंगे। तो गाइस हमारे सैलून में ना ऑस्ट्रेलियन ब्रांड आ रहा है जो कि है बिहेव, और बिहेव की जो स्पेशल बात ये है कि जो इसकी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है ना वो सारे के सारे नेचुरल है। देखो जो आपको जितनी चीजें मैं आप बता नहीं पाऊंगी वो ये बताएंगे आपको आगे। इट मीन्स इस प्रोडक्ट से आपके बालों में बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा। ऐसे क्या होता है, नेचुरल कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो बाद में इन फ्यूचर वो हार्म करता ही करता है, पर इसमें जो है नेचुरल चीजें हैं तो ये हार्म नहीं करेगा आपके। तो गाइस मैं फाइनली करा रही हूँ केराटिन, वो भी बिहेव ब्रांड का, और सीरियसली जो इसके मैंने इसके बारे में पढ़ा भी, जो इसके प्रोडक्ट्स है जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स सब कुछ नेचुरल है। और आप लोगों ने मेरा जो रिजल्ट है मैं आपको बिफोर वाली जो वीडियो है दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको आफ्टर भी दिखाऊंगी। और ये हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको क्योंकि जो चीज हम क्लाइंट को देंगे वो पहले हम अपने ऊपर यूज कर रहे हैं, उसके बाद ही हम क्लाइंट को देंगे, तो इससे अच्छा तो कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना चमक रहा है मेरे बालों को, क्या कर रही है, दिखा रही हूं। तो अभी चल रहा है मेरा कैरेटिन का वॉश, सबसे पहले वॉश होगा क्योंकि घर से ना मैं कंडीशनर कर आई थी, तो जब कैरेटिन होती है तो कंडीशनर नहीं चाहिए होता, सिर्फ शैम्पू चाहिए होता है। फाइनली जो मेरा वॉश है वो हो गया, तो इस प्रोडक्ट से मेरी कैरेटिन होगी, बिहेव का जो प्रोडक्ट है कैरेटिन। आधा लग चुका है, आधा लग रहा है, और आप एक चीज़ देख सकते हैं विदाउट ग्लव्स ये प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं,
मतलब इसमें कुछ भी हार्म नहीं होगा बालों को, तभी ये हाथ से कर रहे हैं। तो जो मेरे हेयर्स में केराटिन है वो अप्लाई हो गई है, तो अभी मुझे इसको रखना है 40-45 मिनट्स के लिए। तब तक मैं आपको अपना जो हमारा ऑफिस है वो दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा हेयर गार्डन का ऑफिस, जो कि पूरी अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। नई चेयर्स लग चुके हैं, यहाँ पर कारपेट बिछ चुका है। तो आज से आप लोगों को मैं, रीत, पायल, रजनीश भैया, अरमान जी, सारे के सारे यहीं मिलेंगे हम पांच। रमन जी का सुना था कि बहुत अच्छी थ्रेडिंग करते हैं, तो देखते हैं कैसे थ्रेडिंग करते हो। तो गाइज मैंने बनाई है अपनी मूछे, देखो इतनी साफ हो गई हैं। बहुत बड़ी बड़ी मूछे आ रखी थी, काफी टाइम से मैंने मूछे साफ नहीं कराई थी और थ्रेडिंग भी नहीं कराई थी। तो देखो अभी मैं फेस जो है वो क्लीन हो गया है। तो मेरी केराटिन को 40 मिनट्स हो गए है, जो इसका एक्टिवेशन टाइम होता है बिहेव का 40 मिनट्स होता है। तो अब मेरे बालों में ब्लो ड्राई हो रहा है, ब्लो ड्राई करने के बाद प्रेसिंग होएगी और प्रेसिंग के बाद सीधा वॉश होगा, क्योंकि वैसे मैंने बहुत बार केराटिन कराई है। जनरली क्या होता है, जब भी हम केराटिन कराते हैं ना, तो वो एक से दो दिन का टाइम देते हैं कि आप एक दिन बाद दो दिन बाद वॉश कराओ, बट बिहेव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपकी केराटिन होगी उसी दिन आपका वॉश हो जाएगा। चीज़ मैंने नोट करी है बिहेव ब्रांड के बारे में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने केराटिन बहुत बार कराई है, पर जब भी ब्लो ड्रायर होता है या आयरनिंग होती है ना, जो इसका हीट निकलती है, जो प्रोडक्ट से धुआं निकलता है, वो आंखों में ना बहुत ज़्यादा चुभता है। मतलब उस टाइम पे मैं आंखें नहीं खोल पाती, बट इस टाइम पे एक बार भी मेरी आईज में कोई भी ना ऐसी मतलब कि इरिटेशन नहीं हुई या आंखों से पानी नहीं आया। तो मेरी जो प्रेसिंग है वो हो गई एकदम डन, बस वॉश रह गया। वॉश कराने के बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अपनी केराटिन की फाइनल लुक। तो अब मेरा केराटिन का वॉश हो रहा है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, बस सीरम लगेगा, मेरे केराटिन हो जाएगी एकदम डन। तो अभी पूरे सलून में जो है वो सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, तो वही हम चेक कर रहे हैं। सामने टीवी में चल रहे हैं सारे कैमरे। स्पेशल मसाज चेयर आई है सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं काम वाम करते हैं तो हम थक जाते हैं, तो यहाँ पे आके हम मसाज लेते हैं। चीकू भी बहुत थक जाता है, इसीलिए चीकू भी ना मसाज लेने डेली आएगा यहाँ पे। ये चीकू, ये कोक किसने दिया आपको? मेरी माने। तो गाइस यहाँ पे गोलू का हो रहा है वॉश, और मतलब यहीं से आपको फर्क पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट का। मतलब इसके बाल जो हैं इतने ज़्यादा ख़राब थे, इतने ज़्यादा डैमेज हेयर थे, अभी देखो कितने प्यारा लग रहा है इसके बाल। और बस अभी ड्राई होके फिर हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए, क्योंकि हमें जाना है नवरात्रि की शॉपिंग करने। तो गाइस जो मेरी केराटिन है एकदम डन हो गई, और सच में मुझे ना मेरे बालों में डिफरेंस फील हो रहा है। और एक बात, मैंने ना अभी पूरी तरीके से बाल ड्राई नहीं करवाए, क्योंकि ना ऑलरेडी 8 बज चुके हैं और मुझे मार्केट भी जाना है। अगर मैं यहाँ पे अपना टाइम और लगाती ना तो मार्केट बंद हो जाती है, बट सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल, एकदम लाइट फील हो रहा है, और जो टेक्स्चर है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, बहुत अच्छा। सारे दिन मैं शायद पायल और गोलू के ब्लॉग में नहीं दिखाऊं, और आप हमारे साथ आ गए हैं दीपू भाई और मोहित भाई, और अभी पहुंचे हैं, और खुशी हो घर में, और ये ना ऐसा हो नहीं सकता, बस नाराजगी है कि भाभियों को नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए बताओ, इधर बताओ। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट हो जाएगा तब लेके आएंगे, अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल। तो गाइस हम फाइनली घर आ चुके हैं सैलून से, और क्या बोलते हैं, हम लोग मार्केट नहीं जा पाए, क्योंकि सैलून से लेके घर तक का जो रास्ता था ना, वैसे तो 10 मिनट का है, बट मुझे पायल को आधे घंटे से ऊपर लग गया। तो हम जो सामान है नवरात्रों का जो सामान है वो हम घर के सामने वाली शॉप है वहाँ से मंगवा रहे हैं, और हम लोग टाइम से आ गए क्योंकि अभी मंदिर की साफ़ सफाई भी करनी है, और कल मॉर्निंग में हमारी जो पूजा है वो 7 बजे, तो उसके हिसाब से कल उठना भी है, नहा धोकर बहुत सारे काम है, तो इसलिए हमने सोचा कि मार्केट रहने देते हैं। सो गाइस हम सब खा रहे हैं खाना, बहुत ही टेस्टी मैंने चटनी बनवाई है, आप सबको पता है मेरे को चटनी बहुत पसंद है, सच में बहुत टेस्टी चटनी है, सच में मज़ा आ गया। चीकू आ जाओ खाना खा लो बेटा। तो गाइस चटनी बहुत तीखी थी, मुझे सीसी निकल रहा है, खाना दे रही हूँ। खाना बहुत ही टेस्टी था, सबका खाना हो चुका है, अब सुबह हमें उठना है 7 बजे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं सोने। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।